कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर डेट की बात करें तो 29 तारीख और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का लेवल था क्वेश्चन का और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, आप उसको जरूर से आकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो सेंटर से बाहर कैंडिडेट्स आते हैं उनको क्वेश्चन जो है पूरा याद नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे आपको फ्री PDF है, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप उसको ले सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप बताइए कहाँ किस जोन से फॉर्म भरे और कितना अटैम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने कोलकाता से भरा था। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? अटैम्प्ट कितना किए हैं? अटैम्प्ट मैंने 92 क्वेश्चन कर दिया। किस जोन से हैं मैम? कोलकाता जोन से। कितना अटैम्प्ट किए हैं? 76 किए हैं ओवरऑल, क्योंकि करंट अफेयर्स उतना कुछ अपडेट नहीं था इसलिए बाकी सब ठीक है। अच्छा, किस जोन से हैं, कितना अटैम्प्ट? कोलकाता 70। 70 जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर किस ईयर से आया हुआ था? 2022 का ही था क्वेश्चन। हमको लग रहा है 2022 से, लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन था, लग रहा है 20 और 22 के समथिंग था। कुछ क्वेश्चन बताइए क्या था क्वेश्चन 22 का? नहीं 22 का ये करंट अफेयर चोपड़ा के बारे में पूछा था कि नीरज चोपड़ा की कॉमनवेल्थ गेम में मतलब कहाँ से वो मतलब स्वर्ण पदक जीते, मतलब किस देश से, किस कंट्री से? अच्छा, किस कंट्री में जीते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर का? और तो वैसे याद नहीं है। कितना क्वेश्चन आया था करंट अफेयर टोटल? करंट अफेयर हमारा 3-4-5 होगा। 4-5 होगा। और क्या था? इधर GKGS में क्वेश्चन ये था बुद्ध पूर्णिमा कब होती है, कुछ चैत वैसाख जो भी होता है उसके मंथ में मनाया जाता है। मतलब कितना टाइम दिया, किस जोन से है? हम तो मुंबई सेंट्रल मुंबई जोन से हैं। कितना अटैम्प्ट किए हैं? और लगभग 75 ही कर पाए, टाइम थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, का लेवल बॉडी फोल्ड कर हां, रीजनिंग का क्वेश्चंस मतलब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट ये सब का क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में फंस गए थे। बाकी साइंस का क्वेश्चन अच्छा था, जैसे कि मतलब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जैसे कि लेंस फार्मूला हो गया, या फिर आपका मतलब लेंस फार्मूला P=1/F होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर मिरर फार्मूला आया था, लेंस का क्षमता का फार्मूला जी। न्यूमेरिकल आया था क्या लेंस पे? न्यूमेरिकल नहीं आया था, नहीं आया था, आज तो कुछ नहीं आया था, न्यूमेरिकल नहीं आया था। मतलब हमको लगा इलेक्ट्रिसिटी में कोई क्वेश्चन नहीं था, हमको लगता फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल नहीं था, एक भी नहीं था न्यूमेरिकल। फिजिक्स का न्यूमेरिकल था, जैसे कि ग्राफ के थ्रू बताना था कि आर फाइंड आउट करने था, भी दिया हुआ था, आई दिया हुआ था, तो आर फाइंड आउट करना था। और एक मतलब फार्मूला से जैसे H=, क्या होता है तो हाँ फार्मूला ही था, वो सब था। और GS में अगर बात करें तो, और GS में पर्यावरण से कोई क्वेश्चन आया था क्या? पर्यावरण इकोनॉमी बिल्कुल आया था, ह्यूमस के से रिलेटेड था। मृदा अपरदन का था। क्या था मृदा अपरदन, मतलब किस फैक्टर डिपेंड करता है किस पे, वो था। अच्छा अच्छा, हाँ। और कोई इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। हाँ, एक था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन एक मिनट, मतलब कुछ था GDP पे क्वेश्चन था? नहीं नहीं, GDP पे नहीं, मार्केटिंग से था, जो अगर बढ़ा दिया जाए, रेट बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, ऐसे करके था। वो मांग का डिफिकल्टी था, लेकिन बहुत ज़्यादा। रीजनिंग का ज़्यादा पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट और ये क्वेश्चन मार्क वाला। लेवल कितना सिटिंग अरेंजमेंट, कितना क्वेश्चन रहा? 5-6 तो मैंने सॉल्व किया। अच्छा, वो सर्कल वाला था या स्ट्रेट लाइन वाला? दोनों वाला भी, स्क्वायर सर्कल और मतलब लीनियर, तीनों था, तीनों में था। वो टाइम टेकन रहा या फिर थोड़ा बनने वाला था? मतलब जो प्रैक्टिस करके आया उसके लिए इजी था, मैंने प्रैक्टिस करके रीजनिंग पूरा आया था, तो सारा का सारा मतलब मैंने रीजनिंग भी था ठीक, मैथ भी ठीक था। और पॉलिटी हिस्ट्री से क्वेश्चन GS में? हाँ, हिस्ट्री से था। क्या था क्वेश्चन? हिस्ट्री से था। क्या था क्वेश्चन हिस्ट्री? एक था क्वेश्चन था शायद दिल्ली भूमि सुधार इस तरह का टाइप का क्वेश्चन था, कब था कि 19 ऑप्शन में था, 1951-56 ऐसे में था। योजना वगैरह के बारे में दिया गया था, इंदिरा गांधी योजना वगैरह, महात्मा गांधी का एक योजना आया था, वो था मनरेगा योजना, मनरेगा योजना, महात्मा गांधी जी जी, एक योजना से क्वेश्चन आया। हाँ, कोई डेट उठ से क्वेश्चन आया क्या? बिल्कुल डेट ही था ना, ईयर था, ईयर क्या था? 2002-2005-2004-2007 चार ऑप्शन दिया हुआ। कौन सा लीप ईयर इसमें वर्ष, मतलब शताब्दी लिपियर गुजरात। और इसे और बायोलॉजी से क्वेश्चन आया क्या? हाँ, बायोलॉजी से वो मेंडलिफ का जो है मतलब, हाँ नहीं नहीं सॉरी मेंडलिफ नहीं,
मेंडल मेंडल वो बायो का मतलब जो बीज ये करता है कि गोल बीज और बड़ा बीज वही उसका वो बहुत लंबा लंबा लिख कर दे रहा था सब उसमें थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था टाइम टेकन घुमा घुमा कर बायो से एक ही क्वेश्चन था सिर्फ मेंडली फॉलो और भी था बट हम तो 75 तक ही अटेंड किया बाकी का 25 क्वेश्चन मिस ही हो गया मेरा देखते हैं क्या होता है 75 तो मार केमिस्ट्री के बारे में अगर बोले तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का ये मतलब केमिकल्स रिएक्शन से पूछा था क्वेश्चन ऐसे बेकिंग सोडा हो गया वॉशिंग सोडा हो गया ये सब का क्वेश्चन लगभग ये में पूछ ही रहा है वो पेंट करने वाला एक दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का पोतते हैं मतलब क्या है मतलब उसको गर्म करने में मतलब क्या मतलब हो जाता है मतलब वो मतलब सोडियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट वो मतलब अल्कलाइन के बारे में केमिस्ट्री से ये सब नॉर्मल हाँ था केमिस्ट्री के बारे में तो अच्छा था लेकिन और फिजिक्स के बारे में लाइट वेट चैप्टर से कोई क्वेश्चन हाँ लाइट चैप्टर हाँ वही रिफ्लेक्शन मतलब लाइट में तो वो सब भी आ गया ना हाँ न्यूमेरिकल नहीं था लेकिन लेंस फार्मूला हो गया मिरर फार्मूला हो गया फार्मूला ही पूछा था रिफ्लेक्शन का उसमें से मिरर का हाँ मिरर को लेकर फार्मूला पूछा गया था फिर एक मैग्नेटिक फील्ड से भी था कि फोर्स अगर हम लोग मतलब डायरेक्शन को लेकर करंट का डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो फोर्स क्या होगा इस टाइप से क्वेश्चन था परपेंडिकुलर होगा पैरेलल होगा इस टाइप में दिया हुआ था ऑप्शंस और सर मजा आया एग्जाम देखिए मतलब पर्यावरण से और कोई क्वेश्चन आया नदी पर्वत पहाड़ से कोई क्वेश्चन नदी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं नदी से नहीं था हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या हिस्ट्री से भी उतना नहीं था मतलब लग रहा है 1 से 2 क्वेश्चन बस क्या किस टॉपिक का था वही मतलब था मतलब आपका अंग्रेज का अंग्रेज का टॉपिक मतलब वही पूछा था कि अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में मतलब भारतीय राजस्व जो था ना वो मतलब कौन कब लागू हुआ था मतलब वो अच्छा बस यही पूछ अच्छा अब हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ था किस चैप्टर से नंबर सब मिला था नंबर सिस्टम से ज्यादा था कितना था क्वेश्चन नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम 7-8 मैंने किया 7-8 क्वेश्चन था नंबर सिस्टम 6 लगभग 6 मान लीजिए एक्चुअली 6 मैंने किया सॉल्व नंबर सिस्टम या सिंपलीफिकेशन नंबर सिस्टम का ही हुआ था उसका टाइप अलग अलग है ना उसका नंबर सिस्टम पॉइंट वाला था 0.33 उसको पॉइंट में लिखिए मिनिमम 3 अलजेब्रा पूरा पढ़ा होगा अलजेब्रा के लिए बढ़िया था अलजेब्रा सर हां और अलजेब्रा 3-4 क्वेश्चन उससे भी था अलजेब्रा से और ट्रिगोनोमेट्री मेंसुरेशन ये सब ट्रिगोनोमेट्री का हमको तो रेशियो था परसेंटेज था उसने सॉल्व किया रेशियो से मैंने 2 सॉल्व किया परसेंटेज से लगभग 3 रेशियो से था और इधर ट्रिगोनोमेट्री से sin थीटा cos थीटा ये सब था इसमें एक क्वेश्चन था बस जी मात्र एक ही क्वेश्चन हां जी एक मतलब हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग एक ही क्वेश्चन पूछा गया जी अच्छा और इसे डिस्काउंट से आ रहा है क्वेश्चन डिस्काउंट CIA से डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन था शायद और CIA से था 2 क्वेश्चन था CIA से 2 क्वेश्चन था डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन था कि मतलब दो मतलब कंटिन्यूअस डिस्काउंट दिया हुआ है उसका ओवरऑल निकालना है CIA से क्वेश्चन हाँ था CIA से था SI से नहीं था लंबा था चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट था चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था लगाया था क्वेश्चन बताइए वो मंथ वाला था या फिर ईयरली था मतलब क्वेश्चन सिंपल ही था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा अच्छा। मेरे से भी नहीं हो पाया ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा और रीजनिंग अगर बात करें तो रीजनिंग किस टाइप का बहुत बढ़िया था रीजनिंग जो पढ़ के आया रीजनिंग में ही लाएगा वो पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज से भी पूछा गया था वो ABCD वाला सब उसमें से भी लगभग 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उससे रीजनिंग में काफ़ी ईजी था वो भी मतलब सबसे इजी आप लोगों को रीजनिंग ही लगा मेरे को तो रीजनिंग ही लगा क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस कर गया था रीजनिंग क्योंकि लोग सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बोल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट बोल रहे हैं थोड़ा सा टफ था नहीं आसानी से बन गया क्वेश्चन मतलब टफ नहीं था जैसे अगर टाइम टेकिंग ले रहा था लेकिन इजीली बन जा रहा था उतना घुमावदार नहीं था बन सकता था वो एनोलॉजी और सीरीज से कुछ क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन था तो था नंबर सीरीज से था एनालॉजी से लगभग पता नहीं मुझे नहीं याद है सीरीज से मैंने सॉल्व किया सीरीज से था मिसिंग नंबर से भी कुछ क्वेश्चन आया क्या मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन था बॉक्स वाला था मिसिंग नंबर या फिर सीरीज वाला अच्छा अच्छा क्या बोलते हैं वो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है हां वेन डायग्राम से भी हां दो क्वेश्चन था दो क्वेश्चन था अच्छा और आप लोग से एक लास्ट सवाल होगा चारों सेक्शन आप लोग देखें मैथ रीजनिंग GS और साइंस तो चारों में आप लोगों को वोट देना हो तो आप किसको वोट देना चाहेंगे सबसे हार्ड और सबसे इजी में हार्ड में GS हार्ड में
जी एस का और रीजनिंग ईजी में रीजनिंग और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मेरा जी के मतलब जी एस वगैरह थोड़ा वीक है तो मैं तो उसी को वीक मतलब हार्ड कहूँगा। हाँ मेरा मैथ और जी रीजनिंग बहुत अच्छा गया है दोनों। आपके लिए मैम जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सब इजी ही है लेकिन ऐसे मेरे व्यू से देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग सही था। क्योंकि करंट अफेयर्स मेरा अपडेट रहता नहीं तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। और आपके लिए? नहीं नहीं जीएसई थोड़ा टफ था, रीजनिंग और मैथ बहुत बढ़िया गया। ये आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले भी कोई एग्जाम आप लोग निकाल चुके हैं? एक्चुअली एक एसएससी एमटीएस का निकाला हुआ था। एसएससी एमटीएस निकाले हुए हैं बट एक ही फेज निकाला उसके बाद धन्यवाद। यही कहूंगा कि टाइम ज्यादा टाइम पे फोकस करिए, टाइम कितना कितना कम मतलब लगा सकते हैं, टाइम का खपत कम कर सकते हैं। ये मैं 2022 का ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ रहा है तो 2022 का ही कवर करने पे चांस है। अच्छा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है हर ये में तो हाँ 2022 से ही दे रहा है क्वेश्चन करंट अफेयर्स का तो वो अगर पढ़ लेते तो सही है। चलिए आप सभी का धन्यवाद और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका और कैंडिडेट जो थे अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरह का पेपर था और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर नया आ रहे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको फ्री PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बच्चों को रिमेंबर नहीं हो पाता है तो वहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारा क्वेश्चन वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।